शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अरे जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने हमारी, इनको ना जेल में ही रहना चाहिए। नाटक नहीं था वो। अरे मैं तो खुद को सजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे खुद को सजा देने से मेरी माँ को सजा मिलेगी तो क्या करूँ? मरने दूँ उन्हें? पर ठीक, अगर कुछ लोगों को मेरी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है ना, तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। रुकिए वरुण जी, आपने जो किया था ना वो किसी गुनाह से कम नहीं था, लेकिन आप उस सारे किए की जिम्मेदारी ले रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और इस बात से यहाँ कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि सबने आपका ये पश्चाताप देखा है। वाह, गजब की जज बन जाती हैं आप। आपकी कचहरी का न्याय भी आपकी तरह अपनी मनमर्जी का मालिक है ना? हमसे अगर एक प्लेट टूट जाए तो सब लोग इतने ताने मारते कि मानो दिल पे छप जाए, और इन्होंने हमारे सारे सपने तोड़ दिए और आप लोगों को इनका पश्चाताप दिख रहा है? माफ कर दे इन्हें। कीर्ति, मैं तेरी हर बात समझती हूँ, पर तू ये भी तो सोचना कि वरुण जी ने अगर ये किया तो क्यों किया? अपने दिल पर हाथ रख के ये कह कि क्या शादी के बाद उन्होंने तुझे खुश रखने की कोशिश नहीं की? तेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या उन्होंने खुद के साथ समझौता नहीं किया? ये सब उन्होंने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ तेरे प्यार के लिए। और जो इंसान तेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है, आज तू उनका साथ नहीं देगी? सबके नजरों में दोबारा से उठने के लिए उनकी मदद नहीं करेगी तू? आपने कभी कभी अपनी सगी बहन के लिए ऐसे झोली फैलाई? आपने इतना गिड़गिड़ाया नहीं ना, तो हमसे ये उम्मीद मत रखिया। बस करो श्रद्धा, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, अब मेरी गलती का बोझ और मत उठाओ, जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दूं आपको वरुण जी, वो भी तब जब आप एक पापा बनने वाले हैं। आपकी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी तो अभी शुरू होने वाली है। श्रद्धा बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं एक बाप हूं और बाप होने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझता हूं, इसलिए एक बाप होने के नाते और इंसानियत के नाते मैं वरुण को माफ करता हूं। गुनहगार अगर सबके सामने अपना गुनाह मान लेता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। शुक्रिया पापा जी कि आपने मुझे इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया, लेकिन अब मैं इस घर में रहने के लायक नहीं रहा। इस घर की शांति के लिए मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। अपनी हार आंखों के सामने देख के भाग रहा है, डर लग रहा है, बचपन से ही डरपोक रहा है तू। उस
सामने से हट अभय। आज तू खेल खेले बिना कहीं नहीं जाएगा। जब तक मैं तुझे पतंगबाजी में हरा ना दूं, तू कहीं नहीं जाएगा आने। और मैं तुझे हराऊंगा। हारेगा ना तू? इतनी भी समझ नहीं है तुझे? अरे हमारे घर वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, पर मान जाते हैं यार। फिर चाहे हमें उनके पैर पड़ के माफी क्यों ना मांगनी पड़े। चल पैर पड़ तो फिर से माफी मांग। कीर्ति, अब तू भी मान जाना। देख, तू अभी सिर्फ तुम दोनों के बारे में मत सोच, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच। अब तुझे उस तीसरे के लिए भी जीना है। तुम्हारा हंसता खेलता बच्चा, तुझे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए कि अब तेरा अपना खुद का परिवार होगा। हमें बस इतना याद है जो इन्होंने हमारे साथ किया, और वो माफी के लायक नहीं है। आप सबको माफ करना, इन्हें तो माफ करिए, पर हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। ये हमारी जिंदगी, और इसका फैसला भी सिर्फ हम करेंगे। मन बहुत घबरा रहा है। हे माता रानी, बस अब कोई अपशगुन ना हो। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, सब ठीक होगा। चलो अब पतंगबाजी का भी मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? चलो आइए। अभी आप उड़ लो वरुण जीजू, फिर कैची की तरह काटेंगे आपकी पतंग अभय जीजू। देख ले बेटा, कैसे मेरी पतंग ऊपर ऊपर उड़ती जाएगी और तेरे अभय जीजू की पतंग फट से कट जाएगी। अरे वाह वरुण, पहली बार तुझे काम और पढ़ाई के अलावा कुछ करते सुना है, और वो भी सीधा रैप। लेकिन पतंगबाजी तो मैं ही जीतने वाला हूँ हर बार की तरह। देख भाई, अगर मैं रैप कर सकता हूँ ना, तो ये पतंगबाजी तो मेरे बाएं हाथ का खेल। ठीक है फिर देख लेते हैं, पर हाँ अगर मैं जीता तो हर बार की तरह पार्टी तू ही देगा। ऑफ कोर्स, आ जाओ मैदान में। चल। कितना अच्छा लग रहा है, कितने दिनों बाद दोनों भाइयों में इतना प्यार देखने को मिल रहा है। हाय, हमारी नजर ना लग जाए दोनों को। बस अब तो हम यही चाहते हैं कि त्रिपाठी परिवार में सिर्फ और सिर्फ खुशी आए, कोई नया तमाशा ना हो।
ये क्या? आप दोनों को अब पतंगबाजी का कख भी हमें सिखाना होगा। अरे बिना मांझा पार्टनर के कैसे उड़ाओगे तुम लोग पतंग? पार्टनर चाहिए होगा। बुआ जी, अभी के लिए हमें है ना? अरे सोनिया, आज के दिन तुम खाना और नाश्ता देखने वाली थी, तो तुम वही संभालो, ठीक है? अभय के लिए श्रद्धा है, जाओ। हाँ भाभी, लेकिन श्रद्धा है कहाँ पर? उसे यहाँ होना चाहिए। अरे भाभी ना अपने रूम में गई हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, मैं अभी बुला के लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। भाभी, नीचे से आपका इंतजार कर रहे हैं भाभी। वाओ भाभी, कितनी सुंदर पतंग बनाई है आपने, भैया के लिए बनाई है ना? अब भाभी, आज आपकी बनी हुई पतंग भैया पूरे मोहल्ले में उड़ाएंगे। चलिए भाभी। अरे नहीं नहीं, अभी एक जरूरी काम बाकी है। अब क्या रह गया है? बबलू, मेरे चीते, मेरे लाल, ये ले मेरा मांझा संभाल। अरे अभय जीजू, अभय बेटा, मैं यहाँ सिर्फ वरुण को माफ करने नहीं आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह तुमने वरुण को ये महसूस करवाया कि वो भी इस घर का हिस्सा है। उसे तुमने माफ किया और उसी तरह मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे भी माफ कर दोगे। माफी अंकल, किस चीज की माफी? उस दिन गुस्से में एक पिता का दुख बाहर निकला था, लेकिन ये नहीं सोचा कि एक पति के ऊपर इसका क्या असर होगा। बेटे, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं अंकल, आपने उस दिन जो कुछ भी कहा एकदम सच था, पर आपकी किसी भी बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगा है। अंकल सब ठीक है। ये अभय, मैंने अपनी पतंग चुन ली है। भैया, इतने प्यार से भाभी ने आपके लिए इतनी अच्छी पतंग बनाई है, तो बदल लो ना। इतने नखरे ना अच्छे नहीं होते। किस्मत ने हमें मिलाया, पर जाने क्यों रिश्ता ये बन ना पाया। अब बंधेगी जब डोर इसमें दोस्ती और भरोसे की, तो देखना कैसे उड़ेगी अपनी पतंग, नापेगी ऊंची हर आसमान की। सॉरी। ये तो पहली बार त्रिपाठी परिवार से प्रेम पत्र उड़ेगा। हमारा मतलब है कि प्रेम पतंग उड़ेगा। बुआ जी, दोस्ती की शायरी है, आप नहीं समझोगे। हाँ हाँ, हम कैसे समझ सकते, हम तो मित्रहीन जो है, पर लिखा बहुत अच्छा है। अच्छा। अरे पता नहीं सब लोग कहाँ उलझे हुए हैं, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए। अरे कोई पतंग उड़ाएगा भी कि नहीं? श्रद्धा,
अब दोस्ती की है तो जिताना पड़ेगा। भाभी, इस जोड़ी को तो ना कोई नहीं हरा सकता, हमारी बाजी अभय और श्रद्धा के नाम पर। वरुण, संभल के। अब जैसे मैंने सिखाया था ना, वैसे डील छोड़ो, डील छोड़ो। अरे श्रद्धा, थोड़ी डील दो। अरे हमारे बेटे और श्रद्धा की पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, अरे कोई काट के तो दिखा दे। अरे वरुण बेटा, शाबाश, देखो पतंग कटते मत देना। पतंग कट जाएगी। इसे मैं कभी नहीं कटने दूंगा। सोनिया, अभय भैया के लिए भाभी है और वरुण भैया के लिए मैं, तुम जाओ आराम करो। श्रद्धा की बराबरी ना कोई कर ही नहीं सकता। देखो कैसे पल भर में तुम्हारे दुख को सबकी नजर से हटा के खुद सबकी नजरों में आ गई, और अब कैसे मजे कर रही, घर में सबकी हीरो भी बन गई। देखो दीदू, पतंग कटनी नहीं चाहिए जीजू, वरना जीत जाएंगे वरुण जीजू। अरे बबलू, तेरे दीदू को ढील देने आए तो ना। बबलू, हाँ, इधर आ, ये पकड़, इसे सिखाता। ठीक है, इसे नीचे करो, इसे छोड़ो, ऐसे इस तरह घुमाओ। हमारी जिंदगी की डोर काट के आप अपनी जिंदगी में प्यार बढ़ा रही हैं, उड़ा रही हैं। आपको हम कभी जीतने नहीं देंगे। हे कीर्ति, संभल के, हमें उड़ाना है पतंग। कीर्ति, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम एक काम करो, वहां पे जाके ना आराम से बैठ जाओ, जाओ। हमारे लिए क्या मुश्किल है, क्या सही क्या गलत, उसको सोचने का हक आप खो चुके हैं। दीजिए, हमें दीजिए। वरुण भैया, ये आप पकड़ो। अरे श्रद्धा, तुम मेरी पतंग कटवा के ही मानोगी? हाँ, अच्छे से करो। एक काम करो, तुम यहां अभय, तुमने बहुत सही फैसला लिया अपने कदम पीछे हटा के। श्रद्धा देखो, तुमसे ज्यादा अच्छी पतंगबाजी कर रही है।
तुम संभाल के। अरे पीछे जाइए ना, क्या क्यों खड़े हैं? और डील लीजिए। श्रद्धा थोड़ी डील दो। खींचो 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 खींचो। कीर्ति ध्यान से बेटा, चोट लग जाएगी। वरुण जी को उड़ाने दो। कीर्ति लाओ मुझे दो। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, आप मत बताइए। ये कंपटीशन तो हम जीत के रहेंगे। मेरी बीवी यहाँ है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कीर्ति उठो, उठो, चलो कीर्ति घर चलना, चलो। ये सब क्या हो रहा है? प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए, ऐसे तो पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाएगी। माता रानी, मेरी बहन की जिंदगी आपके हाथ में, उसे बचा लीजिए माता रानी। जय माता दी। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।